हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राजेश जोशी है और मैंने आपको पिछले लेसन में अपने बताया था कि डी मेजर कॉर्ड को किस तरीके से आपको प्ले करना है। तो जिसने मेरा पिछला लेसन नहीं देखा है वो उस लेसन को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको डी माइनर कॉर्ड को कैसे प्ले करना है और डी मेजर के साथ इसको किस तरीके से स्विच करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। तो मैं हल्का सा पहले आपको बता दूं कि आपको डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन क्या होती है, बाकी तो कैसे बजाना है इसको, इसके लिए आपको मुझे मेरा पुराना लेसन, जस्ट पिछला लेसन आपको देखना होगा। अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पिछले लेसन देखो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मैं ये आपके लिए लेसन्स लेके आया हूँ, बिल्कुल बिगिनर के लिए और जो कॉर्ड अच्छी नहीं बजा पाते, जिनको कॉर्ड्स बजाने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए। बहुत ही आसान तरीका है मेरे प्यारो, बहुत ही आसान तरीका, तो आप ज़रूर इसको देखो, ज़रूर देखो। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखिए और अच्छा गिटार बजाइए, बिल्कुल साफ और स्मूथ गिटार बजाइए। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन क्या होती है वो देख लेते हैं, उसी से मैं आपको बताऊंगा डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड को अगर आप बजाते हैं तो वो बहुत टफ लगती है और उसको स्विच करना भी टफ लगता है अगर किसी ने उसको कोशिश किया हुआ, लेकिन मैं इसको इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपका चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में, एक बार में, सिर्फ एक बार में आप डी माइनर कॉर्ड सीख सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डी मेजर कॉर्ड आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। पहले डी मेजर की पोजीशन एक बार मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, इसके लिए आपको मेरा पिछला लेसन देखना पड़ेगा। रिंग फिंगर को आपको रखना है सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट के पीछे, मिडिल फिंगर को आपको रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट के पीछे और इंडेक्स फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर को आपको रखना है थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट के ही पीछे। ठीक है, तो फ्रेट से अगर जस्ट पीछे नहीं रख पा रहे हैं तो थोड़ा सा दूरी पे चल सकता है। अंगूठे से ऊपर की सिक्स स्ट्रिंग को तो आपको म्यूट करना ही करना है और चार स्ट्रिंग से मारना है। अगर पांचवी में से भी लग जाता है तो आपका डी मेजर का ही साउंड आएगा। डी मेजर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, इन्वर्जन होता है, लेकिन वो चल जाएगा आपका, तो आप स्ट्रिंग्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन छठी स्ट्रिंग का साउंड नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको आपको म्यूट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मुट्ठी की तरह पोजिशन इसकी बननी चाहिए। अब हम आते हैं डी माइनर, बहुत ही आसान हो जाता है डी माइनर। इसके बाद आपको करना क्या है, रिंग फिंगर को बिल्कुल अपनी जगह से मत उठाना। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को उठा देना है जो कहां पे थी, थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट के पीछे। उसको उठा के आपको क्या करना है, रिंग फिंगर को अपनी ही जगह पे रहने देना, पोजीशन बिल्कुल मत बदलना। जो डी मेजर की पोजीशन है, एल्बो पोजीशन, थंब पोजीशन, उसको कुछ नहीं बदलना है। मिडिल फिंगर को आपको उठा के रख देना है थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट के पीछे, जहां पे पहले आपकी इंडेक्स फिंगर थी। ठीक है, बहुत लोगों को पोजीशन पता होगी इसकी लेकिन बजाने में दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, डी माइनर कॉर्ड तो आपको नेट के अंदर कहीं भी मिल जाएगी, बहुत लोगों ने इसको सिखाया भी होगा। मैं बस डिफरेंट तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मिडिल फिंगर आ गई इंडेक्स फिंगर की जगह और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर थी, वो चले गई आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट के पीछे। थोड़ा सा तो खींच के लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जितनी आसानी से मैं प्ले कर पा रहा हूँ, हो सकता है उतना आसान आपके लिए ना हो, क्योंकि ये जो गैप बनना पड़ता है, जो स्ट्रेचिंग होती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन कोशिश करना कि आप स्ट्रेच करके उसको लाओ और एल्बो को अंदर की तरफ लेना। अगर आप इसमें एल्बो सीधा रखोगे तो आपकी रिंग फिंगर जो है वो फ्रेट से दूर हो जाएगी और साफ आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको जो है कि रिंग फिंगर को फ्रेट के बिल्कुल नज़दीक रखना है, उसके लिए आपका एल्बो जो है, ये एल्बो थोड़ा सा अंदर को होना चाहिए और जो रिंग फिंगर है आपकी, यानी कि आपकी जो थर्ड फिंगर है सेकंड स्ट्रिंग पे जो पड़ रही है, वो उसकी साइड से दबेगी, बिल्कुल किनारे से दबेगी और फिर वही चौथी स्ट्रिंग से इसको मारना है। छठा स्ट्रिंग म्यूट रहेगा, पाँचवीं से आप चाहें तो मार सकते हैं। तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डी मेजर या डी माइनर कॉर्ड जब हम प्ले करते हैं, जैसे भी हम डी माइनर कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, तो इसमें चौथी स्ट्रिंग से क्यों मारते हैं, पांचवी स्ट्रिंग से क्यों नहीं मारा जाता है, या फिर अगर मारेंगे तो क्या हो जाएगा पांचवी स्ट्रिंग से, और छठी स्ट्रिंग से क्यों नहीं मारते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस का पहले आपको जवाब दूंगा, सटीक तरीके से समझने की कोशिश करना। कोई भी जो कॉर्ड होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डी माइनर कॉर्ड है, तो उसका रूट क्या होगा, डी, डी मतलब सा, इंडियन म्यूजिक में सा, सारे गामा का सा, वेस्टर्न म्यूजिक में वो रूट नोट हो गया। ठीक है, तो डी माइनर कॉर्ड का रूट होगा डी। तो कोई भी जो कॉर्ड होती है उसको उसके रूट से, बेस में जो है उसका रूट प्ले किया जाता है, रूट मतलब स्केल का पहला स्वर और कॉर्ड का पहला स्वर। अगर आप
रूट से नहीं मारेंगे तो वो उसका परफेक्ट साउंड नहीं आएगा। तो अगर आपको कॉर्ड का परफेक्ट साउंड चाहिए तो आपको रूट से मारना पड़ेगा, परफेक्ट और सोलफुल साउंड, फीलफुल साउंड, जो जो उसका कॉर्ड का जब प्रॉपर फील आएगा, प्रॉपर साउंड वो आएगा रूट को जब आप बेस में लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने डी माइनर बजाई तो इसमें प्रॉपर साउंड आ रहा है। अगर आप पांचवी स्ट्रिंग से मारेंगे तो वो उसका रूट नहीं है, क्योंकि पांचवी स्ट्रिंग पे ए आता है, देखो ई बी जी डी ए, पांचवी स्ट्रिंग ए से शुरू होती है और चौथी स्ट्रिंग डी से, चौथी स्ट्रिंग डी है और डी माइनर का रूट नोट होगा डी, ठीक है। तो इसलिए हमको उसको रूट से मारना होता है, इसीलिए हम डी माइनर या डी मेजर में चौथी स्ट्रिंग से मारते हैं। लेकिन अगर हम पांचवी स्ट्रिंग से मारेंगे तो क्या होगा, पांचवी स्ट्रिंग से भी मार सकते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप पांचवी स्ट्रिंग से भी मार सकते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखिए हर कॉर्ड के नोट होते हैं, जैसे ये कॉर्ड ट्राइट्स होती हैं और तीन स्वरों से मिलकर बनती हैं। पिछले चैप्टर्स में भी मैंने ये बात बोली कि वो तीन स्वर होते हैं, जैसे माइनर का क्या होगा, डी माइनर का जो नोट होगा वो स्केल का होगा फर्स्ट डिग्री, थर्ड का फ्लैट और फिफ्थ डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ से मिलकर आपकी माइनर की कॉर्ड बनती है। अब डी माइनर में वो नोट कौन से होते हैं, डी एफ और ए, इन तीन स्वरों से कॉर्ड बनती है। अब पूरे गिटार में जब भी कहीं आप इन तीन स्वरों को एक साथ बजाएंगे तो डी माइनर कॉर्ड हो जाएगी, अगर रूट से लेंगे तो प्रॉपर डी होगी, अगर रूट से नहीं लेंगे तो जैसे यहाँ पे आप पांचवी स्ट्रिंग से मार रहे हैं ए, तो पांचवी स्ट्रिंग का जो नोट है ए जो नोट है वो इस कॉर्ड का पार्ट है लेकिन रूट नहीं है, लेकिन पार्ट तो है ना, तो पार्ट है तो हम इससे मार सकते हैं। अगर हम इससे मारते हैं तो डी ही है, वो डी माइनर कॉर्ड ही है, लेकिन जो है वो उसका इन्वर्जन, एक प्रकार का उसे इन्वर्जन बोलते हैं प्रकार के, और इसको लिखा जाता है डी माइनर स्लैश, यानी कि स्लैश कॉर्ड्स भी इनको बोलते हैं, डी माइनर स्लैश ए करके। तो बेस में इसका नोट बदल गया तो डी माइनर स्लैश ए कॉर्ड हो गई है। अब इसको आप कहीं पे अगर डी माइनर कॉर्ड अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आप इसको प्ले कर सकते हैं उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर उस पे, उसकी जगह पे। बाकी इसका जो यूज़ होता है वो बेस जब चेंज होता है, जैसे आप कुछ बेस लाइंस प्ले कर रहे हो या फिर आप कहीं पे बेस नोट ले रहे हो गाने की लीड लिरिक्स के, गाने की लीड ट्यून के हिसाब से वहाँ पे बेस लेना है, तो वहाँ पे आप कहाँ पे कौन सा बेस लेते हो उस पे निर्भर करता है कि आप डी लोगे या ए लोगे। तो इसलिए जो है कि हम इन दोनों ही कॉर्ड्स को यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। अब रही बात 60 स्ट्रिंग्स पे क्यों नहीं मारते हैं, 60 स्ट्रिंग्स पे इसलिए नहीं मारा जाता है क्योंकि अगर 60 स्ट्रिंग का जो नोट है वो ई नोट होता है और ई नोट जो होता है वो डी माइनर कॉर्ड का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें इसमें नहीं मारना होता। अगर हम इसमें मारेंगे तो वो जो है कि आपकी डिफरेंट कॉर्ड बन जाएगी और डी माइनर के अकॉर्डिंग वो गलत नोट होगा, ठीक है। इसलिए इसको म्यूट करना पड़ता है, म्यूट करने के लिए आप इसको अंगूठे से ऊपर रखते हैं। तो अगर आप स्ट्रमिंग करते हैं तो अगर आपका चौथी स्ट्रिंग से लग रहा है पाँचवीं स्ट्रिंग से कर रहा है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बेस को यूज़ करते कर रहे हैं, अगर आप बेस में बेस यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बीट में बेस मार रहे हैं तो फर्क पड़ता है कि यार साउंड में जो है कि अंतर आ जाता है। समझने वाले के लिए बहुत बारीक चीज़ें होती हैं और वैसे स्ट्रमिंग में आप पाँच में भी लग जा रहा है चौथे में भी लग जा रहा है तो काम आपका चल जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि स्ट्रमिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन छठा स्ट्रिंग तो आपका म्यूटेड ही रहना चाहिए। अब इसमें चूँकि आपने डी मेजर से ही डी माइनर को प्ले किया है तो मैं यहाँ पे एक ये भी आपको एक इसमें एक्सरसाइज दे देता हूँ कि आप डी मेजर से जब आप डी माइनर को बजा लेते तो लगातार इसको स्विच करने की प्रैक्टिस करिए। कैसे करना है देखिए, तो पहले मैं डी मेजर में आता हूँ। अब क्या करना है आपको स्विच करते समय, देखो मैंने पहले जो इसके लिए आपको मेरा पिछला चैप्टर देखना पड़ेगा स्विचिंग वाला, जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि कॉर्ड्स को किस तरीके से स्विच करना है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो उसमें आप देखिए उस वीडियो को, उसको मैंने किस स्टेप वाइज बताया हुआ कि कॉर्ड को स्विच करने का आसान तरीका क्या है, वो स्टेप वाइज है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, तो जब भी आपको किसी कॉर्ड से किसी कॉर्ड में स्विच करना होता है तो उसमें आपको क्या करना है कि अपनी जिन फिंगर को, आपको रिंग फिंगर तो उठानी नहीं है, रिंग फिंगर क्योंकि डी माइनर में भी सेम है डी मेजर में भी सेम है। यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जो कॉमन फिंगर होती है, जैसे दोनों कॉर्ड्स में जो फिंगर कॉमन है, ठीक है, जैसे हम दो कॉर्ड में आपस में स्विच कर रहे हैं तो उस कॉमन फिंगर को उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि आपका एक कॉमन फिंगर है। तो यहाँ पे आपकी ये दो फिंगर्स चेंज हो रही हैं तो इन दोनों को आप धीरे धीरे उठाओगे और जैसे ही आप उठाओगे पहले स्टेप में आपको उठाना है, दूसरे स्टेप में उठाते ही दोनों उंगलियों को, हर उंगली को जो भी आपको मूव करनी है उस स्ट्रिंग की तरफ को मोड़ना है, ठीक है। जैसे आपकी मिडिल फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग पे जाना है तो ये ऊपर को ऊपर की ओर को खुलेगी और ये वाली फिंगर नीचे की ओर को मुड़ेगी। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक को राइट जाना है एक को लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट वाला सीधे लेफ्ट जाएगा, वो पहले राइट जाके लेफ्ट नहीं लेगा और राइट वाला सीधे राइट जाएगा,
अगर वो सीधा राइट जाएगा तो उसका टाइम बचेगा, लेफ्ट वाला सीधे लेफ्ट देगा तो टाइम बचेगा, उसको राइट से घूम के नहीं जाना है। वैसे ही जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको ऊपर जाना है, तो उसको ऐसे नीचे जाके ऊपर नहीं आना, उठा के सीधे ऊपर को पुश होना चाहिए, सीधे ऊपर को खुलना चाहिए। और ये वाली फिंगर नीचे को मुड़नी है तो पहले ऊपर नहीं जाएगी। जैसे लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट सीखते समय, दोनों फिंगर को उठाया, दोनों को पहले ऊपर ले गए, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना, वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक ही जगह से, जैसे ये मेरी दो फिंगर है, एक को आगे घुमाना है, एक को पीछे घुमाना है, तो ये नहीं करना है कि पहले दोनों को आगे ले गए फिर एक को अपनी जगह रखा फिर पीछे ले आए, ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये फिंगर ऊपर की, ये हर कॉर्ड में जब भी आप स्विच करते हैं इसी प्रोसेस को यूज करना, ये फिंगर ऊपर को गई सेम टाइम पे, जब ये ऊपर को मूव होगी सेम टाइम पे ये फिंगर आपकी नीचे को मुड़ जाएगी, वहीं से ऊपर ले जाके नहीं मुड़ना है, फिर से बोल रहा हूँ, वहीं से नीचे को मुड़ना और इसको ऊपर को ले जाना, और दोनों फिंगर्स को जो डी माइनर की पोजिशन होती है उनमें पहले आने देना, पूरा प्रॉपर आने देना ऊपर, तो ये आपका सेकेंड स्टेप पूरा होगा। देखो दोनों फिंगर अब हवा में आपका डी माइनर का पोजिशन बन चुका है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले ये किया, एक को पहले रख दिया फिर दूसरे को पहले रख दिया, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। और ये कम टाइम पे आ जाएगा, आप सिर्फ 5 मिनट दो, मुझे दे दो 5 मिनट, चलो मुझे मत दो यार, तुम खुद को दो 5 मिनट, बस एक फोकस रखो, कंट्रोल करो अपनी उंगलियों को, कॉन्सेंट्रेट करो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, स्लो मोशन, जैसे आप क्रिकेट में स्लो मोशन देखते हैं, अंपायर देखता है ना, स्लो मोशन में ही उसको दिखाई देता है कि वाकई में आउट है, तेज देखेगा तो कैसे देखेगा, तो वैसे आप स्लो मोशन में करेंगे तो आप दोनों फिंगर्स को देख सकते हैं कि सही तरीके से जा रही नहीं जा रही हैं। तो ये आप ले गए, देखो अभी प्रॉपर तरीके से देखो हवा में आ चुकी हैं दोनों फिंगर, हवा में आ गई ना, हवा में आ गई, अब दोनों को एक साथ बैठाना है, बिल्कुल जैसे अपनी पोजीशन में आ गई तो अपनी पोजीशन से एक साथ बैठाना है, ये नहीं कि पहले एक को बैठाए फिर दूसरे को। अगर कोई उंगली पहले पहुंच जाती है, मान लो कि आपकी दोनों उंगलियों में से एक उंगली मिडिल फिंगर पहले पहुंच गई और ये फिंगर अभी उस रास्ते में नहीं पहुंची, वो अभी रास्ते में ये पहुंची नहीं है, तो इस फिंगर को आपको वेट में रहने दो और इसको आने दो, इसको आने दो, जब दोनों प्रॉपरली अपनी पोजिशन में पहुंच जाएंगी तो उनको बैठा देना, बस ये बन गया आपका डी माइनर का पोजीशन। ऐसे ही वापस आते समय भी करना है आपको, पहले दोनों उंगलियों को उठाना है, उठाते ही आपको इसको मिडिल फिंगर को नीचे मोड़ना है, उसको ऊपर को पुश करना है, देखो पुश पुश, जैसे ऐसे पुश करेंगे आप ये ठीक है, क्योंकि उसको जैसे आते हैं जब आपकी मुट्ठी खुलती है तो उंगलियां ऊपर को ऐसे आती हैं और मुड़ती हैं तो ऐसे आती हैं, तो ये एक प्रकार का पुश हो गया देखो खोलते समय, तो वैसे आपको इसको जब वापस आओगे तो इसको पुश करेंगे इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ेंगे। अब आप ये मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं सीखते समय ऐसे लाते, नहीं आप जितना दूरी से जाओगे यानी कि उंगली को जितना दूर से चेंज करोगे उतना आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आपको ऐसे नहीं लाना है, आपको क्या करना है मुट्ठी की तरह मोड़ना है, जैसे ये आपका ये आपकी उंगली है ना, ये आपकी उंगलियाँ हैं और आपको मुट्ठी को दबाना है तो आप ऐसे दबाओगे, आपको ऐसे नहीं करना है, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। तो आपको जैसे ये उंगली लानी है तो यहीं से आपको हुक की तरह उसको नीचे को मोड़ देना, हुक की तरह, ठीक है, ये मुट्ठी की तरह हुक की तरह, और उसी टाइम ये उंगली ऊपर को आ जाएगी और दोनों उंगलियाँ धीरे 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 अपनी पोजिशन में आएंगी और एक अपनी अपनी कॉर्ड की पोजिशन में वापस आके दोनों उंगलियों को एक साथ बैठा देना है। बेशक शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है 5 मिनट में आ जाए, हो सकता है 10 मिनट लगे, आएगा ज़रूर, इस तरीके से आपका आएगा ज़रूर और जल्दी आएगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको लगातार करना है, राइट साइड में मारने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप ऐसे 10 से 15 राउंड करो आराम आराम से, बीच में फिर मार के देखो 10 से 15 राउंड के बाद कि यार आवाज़ साफ आ रही नहीं आ रही, आवाज़ तो गड़बड़ नहीं हो गई है, फिर धीरे धीरे करते रहो, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, जब तक आपकी उंगलियां कंट्रोलिंग में नहीं आ जाती, साथ नहीं बढ़ता है तब तक बिल्कुल स्पीड नहीं, कुछ टाइम तक तो बिना स्पीड के इसको करना चाहिए, जितना आप धीमे करोगे उतना आएगा, तेज़ करने से नहीं आता है, कॉर्ड आपकी कभी भी तेज़ मूवमेंट करने से स्विच नहीं हो सकती है, इस बात को गांठ बांध लो गांठ, अगर आपको कॉर्ड को सही तरीके से स्विच करना है तो उसको धीमे धीमे ही करना पड़ेगा, अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है, आपको साइकिल सीखनी है, कंट्रोलिंग करनी है तो आपको धीरे धीरे ही कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, आप स्पीड में कभी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उंगलियों को हवा में कंट्रोल करना है तो धीरे धीरे आएगा, देखिए बिल्कुल आराम से आ गया, ये एक साथ बैठ गया, जब एक बार आ जाता है फिर देखो कितनी भी स्पीड से आ सकता है, लेकिन आपको शुरू में स्पीड में नहीं करना है, ठीक है, आप हैमरिंग भी कर सकते हो ऐसे,
देखो हैमर साउंड भी आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आपको डी माइनर कॉर्ड बजानी है और डी मेजर के साथ स्विच करना है। ऐसी मेरे वीडियोस आते रहेंगे और आपके लिए जितनी भी कॉर्ड से स्विच करना टफ होता है और जितनी भी कॉर्ड बजाना टफ होता है वो सारी कॉर्ड मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है प्यारे, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो करना है और करना क्या है, फिर देखो मैं किस तरीके से आपका गिटार बहुत परफेक्ट बनाता हूँ जिसमें कि आपको दिक्कत होती है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अलग क्लासेज, ठीक है। देखिए होता तो सब सेम है, तरीका अलग होता है, मैं आपके लिए तरीका अलग लेके आया हूँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मेरे अगले चैप्टर का वेट करिए और ज़रूर उसको देखिए। बाय, मिलते हैं।